देख रहे हैं दोस्तों सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ, हमारे साथ हैं विकेश पुरवे। ठीक है, जैसा कि कुछ ही देर पहले विकेश भैया द्वारा मुझे कॉल किया गया, मैं टाइम यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल है, सीतामढ़ी जानकी जन्मभूमि है, जानकी जन्मभूमि जो कि जानकी एक बेटी है, सुरक्षा के तौर पर यहाँ की प्रशासन कहती है बहुत सुरक्षा है। नियरेस्ट हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हजारों लोग यहाँ से गुजरे, जैसे इस बच्चे को दिखाइए, सर पे कुचला गया है, बताइए इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत हो रही है, बताइए यही हमारा समाज है। लोग बाइक चला के चले जा रहे हैं, लोग देखकर कोई ऐसा नहीं है कि इसको उठा करके सही जगह डलवा दे, किसी को इन्फॉर्म करे, कोई कुछ नहीं करेगा। इन्फॉर्म किया गया लेकिन वक्त कोई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। यहाँ आस पास लोग है, जो भी लोग है सभी देख रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल से मैं मैम से मिला, मैम जरा एक मिनट दीजिए, अपना नेम जरा बताएंगे। ज्योति मैम से मिला, इनके द्वारा मुझे ये ग्लव्स मिला, कॉटन मिला ना। इंसानियत के नाते मेरा कोई से रिश्ता नाता नहीं है, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई समाज सेवी हूँ। कोशिश करता हूँ कि बस आप लोग को भी कह रहा हूँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा फ्यूचर में नहीं करे कि आपके सामने से कोई मरा हुआ पड़ा रहे, छोड़ दे। इंसानियत शर्मसार हो जाती है। जानकी जन्मभूमि को गंदा करने का काम आप लोग करते हैं, ऐसे गंदा नहीं करे। सर को चल दिया गया, वो तो हम लोग ईटा रखे और कब से सबको यहाँ से साइड करवा रहे हैं। लड़का बच्चा भी जिंदा, और जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है, इसको वासन कराया गया है और 6 से 7 महीने का बच्चा बताया जा रहा है, और देखने से भी लग रहा है। बता दूं आपको, और मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, हमें आग खोल के उठा भी नहीं सकता। लोग इसे देखकर सर कुचल करके चले गए, जरा ध्यान से देखिए। तो ये राघव गुप्ता द्वारा जो कि 10 सीतामढ़ी पेंज का मतलब कि जिसके द्वारा चलाया जाता है, उसके द्वारा इस बच्चे को दफनाया जा रहा है। और सीतामढ़ी के सभी अधिकारी जो भी है, जो भी कुछ है, सीतामढ़ी को कहते हैं सुरक्षा में है। बगल में यहाँ थाना है, बगल में हॉस्पिटल है, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। थाना में सीसीटीवी, क्या 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 इतना भी इंसानियत नहीं कर सकती है? सीतामढ़ी में क्या लोग मर गए? जो बच्चे को एक रूई में लपेट कर सही जगह दफना तो सकते हैं ऑफिशियली, इतना तो कर ही सकते हैं। इंसानियत शर्मसार हो रही है। ऐसा ये जानकी जन्मभूमि पर रहते हैं, कहते हैं सीतामढ़ी से हैं, लेकिन सीतामढ़ी को शर्मसार कर रहे हैं, बहुत ही गंदा लगता है। मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी से हूँ, है ना। लेकिन ऐसी हरकत जो लोग करते हैं वो कह नहीं सकते हैं। हाल ही में अभी छठ पूजा हुआ, जिसमें नगर परिषद के तरफ से इतना मतलब अनाउंसमेंट कराया जा रहा था और पूरे शहर में माइक लाके और साफ सफाई के बारे में हम दिखाते कि क्या यही मतलब कि नगर पालिका का काम है, और ये आज का नहीं पर डे ऐसा ही रहता है। और ये सीतामढ़ी का सदर अस्पताल है, उसके गेट का ये स्थिति है, और यहाँ पे हमेशा इस तरह की घटना होते रहता है कि इस तरह के नवजात शिशु को यानी कि फेंका जाता है। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर है, और ये हॉस्पिटल का ही एक तरह का जो बाजार जो होता है, हॉस्पिटल का जो बाजार बना हुआ है, और यहाँ पे इस तरह के शर्मसार मतलब कि पैसे के लालच में डॉक्टर लोग मतलब कि वासन कराते हैं और इस तरह से घटना को अंजाम। और प्रशासन चाहे तो जो भी फेंका जिसका भी काम है उसको मतलब आसानी से, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ करेगा नहीं। हम लोग आए प्रशासन को भी जी भैया बताइए इस मैटर में कुछ इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। आपको देखने को मिला, कुछ बता सकते हैं कैसा सीतामढ़ी हो रहा है? आपका सीतामढ़ी में कितनी शर्म की बात है, जरा कुछ बता दीजिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये जहाँ तक हम उस युवाओं को मतलब कि ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कि अपने हवस के लालच और मतलब मैं उन लोगों को कहता हूँ जो कि सीतामढ़ी में समाज सेवा के नाम पर लूटते हैं, यही हो रहा है। नियरेस्ट सीसीटीवी को लगाएं, ये कैमरा है, और मैं डीएम मैम से आग्रह करूंगा कि मैम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकलवाए प्लीज, और जांच करवाए कि ये बच्चा किसके द्वारा फेंका गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।